गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम लोग घर के अंदर अपने अपर लिप्स क्लीन कर सकते हैं, लाइक अपर लिप्स के हेयर्स जो हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस, ये मैं अब आज रिका वैक्स यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी वैक्स यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मार्केट के अंदर आती है स्लीक वैक्स, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी पहले वो यूज़ करती थी, बट नाउ आई एम यूजिंग दिस रिका वैक्स, जो कि मैंने एक बाउल में डाल के रखी हुई है। एंड गाइस, ये एक बटर नाइफ है, आप फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और फिंगर्स थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, बट देखते हैं कैसे लगता है। ओके गाइस, सबसे पहले हमें वैक्स लेनी है जो ज़्यादा गर्म ना हो और ज़्यादा ठंडी भी ना हो। तो हमें गर्म करके इसको थोड़ा सा ठंडा करके ले रखना है। तो आपको अपने लिप्स के ऊपर नहीं लगाना है, इस तरीके से हमें इसे लगाना है। लाइक दिस मूछे बनानी है आपको अपनी। और गाइस, ये बहुत ईजी है करना, अगर आप धीरे धीरे करेंगे स्टार्ट तो मतलब ईजिली सीख सकते हैं। तो मेरे कुछ हेयर्स यहाँ पे भी हैं, ठंडी हो गई है, बीच बीच में आप इसे गर्म कर सकते हैं। गैस पे आप इसको ईजिली गर्म कर सकते हैं गाइस। ओके, आप कोई भी वैक्स यूज़ कर सकते हैं, बट जो रिका वैक्स होती है वो थोड़ी ज़्यादा जेंटल होती है स्किन के ऊपर, और इजीली थोड़ा सा पेन रिका वैक्स के अंदर कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्लीक वैक्स होती है। बट जो नॉर्मल वाली स्लीक वैक्स होती है वो आपकी 70 रुपीज़ की आती है, और ये वो आपकी मतलब कि 2 मंथ्स चल जाएगी। और जो रिका वैक्स जो है ये 950 की आती है, बट ये आपकी एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स चल जाएगी। तो आई थिंक ये बेटर डील है लेना। एंड गाइस, जो ये है अब ये देखो ठंडी हो चुकी है, तो इसको मैं अब दोबारा गैस के ऊपर गर्म करने वाली हूँ। एंड देन मैं इसके बाद आती हूँ आपके पास एंड आई विल शो यू। ये ट्यूटोरियल इसमें थोड़ी ज़्यादा जल्दी ठंडी हो रही है, बट अगर आप रियल लाइफ में करेंगे तो आपको मे बी एक बार ज़्यादा दोबारा गर्म करने की ज़रूरत ना पड़े, और फर्स्ट 2 सेकेंड में कर सकते हैं, तो आप मतलब पढ़ भी सकती है, इट्स नॉट लाइक कि नहीं पड़ेगी। बट या, सो आई विल कम बैक। इसको गर्म करने के बाद मैंने गरम कर लिया इसको। एंड गाइस, आपको इसको ज़्यादा गरम नहीं करना है, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपने आप को जला सकते हो। सो आपको बहुत ध्यान रखना है टेम्परेचर का। और जब आप वैक्सिंग स्टार्ट करने वाले हो, जो लाइक आपने कभी करी नहीं है, तो आई थिंक आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए, या फिर मतलब इट्स अ बिट रिस्की आई कैन से। मेरी तो मामा को करना आता था, ऑब्वियसली तो उन्होंने मुझे सिखाया, बट इट्स क्वाइट ईजी इफ़ यू लाइक इफ यू डू इट रेगुलरली, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। एंड देख सकते हैं आप, आपको वैक्स को ज़्यादा गर्म नहीं करना होता कि वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाए, बट आपको एक यू नो केचअप कंसिस्टेंसी में रखना है। आई थिंक लेट्स स्टार्ट अगेन। और अब हम बीच वाले जो ये एरिया इसको करेंगे, बिकॉज हमने पहले इसको नहीं करा था। सो गाइस, स्टार्ट। और आपको बस आपको ना फेस वॉश करना है और फेस को पे टोनर लगाना है, और उसके बाद आप ये स्टार्ट कर सकते हो। क्रीम नहीं लगाना है ऑब्वियसली, और अगर आपका फेस बहुत ऑयली है तो आपको इस पर पाउडर लगाना पड़ेगा। पहले मेरा थोड़ा नॉर्मल है, सब इससे अपनी फेस की जो वैक्स है वो भी कर सकते हैं। मैंने जो ये लगाया है बहुत पतला लेयर है तो भी हटने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और एक लेयर इस पर और लगाएंगे। और आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप पूरे पे भी इकट्ठा लगा सकते हैं, मतलब इट्स डिपेंड ऑन योर पर्सन चॉइस। इकट्ठा कैसे बेचें, मैंने आज तक कभी ऐसा किया नहीं है इकट्ठा। एंड ऐसे कुछ स्ट्रिंगी सा ये होता है, स्लीक वैक्स में ऐसा नहीं होता है बट रिका की वैक्स में ऐसा होता है। ओके गाइस, नाउ टाइम टू मूव। इसको आपको स्ट्रेच करना है से नीचे की तरफ एंड देन जस्ट इजीली फील इट हल्का सा एंड देन जस्ट 1 2 3। ओके 1 2 3। Yeah, lots of hairs came out. क्या आप देख सकते हैं कि हमने सेकेंड टाइम किया है और यहाँ से सारा क्लीन हो गया बट यहाँ से थोड़ा थोड़ा फिर भी अभी भी रहता है, ऐसा कई बार हो जाता है। हमारा स्ट्रिंग है ये, बस यहाँ पे थोड़े हेयर्स रह गए थे, मे बी पसीने की वजह से हटे नहीं है बट सेकेंड टाइम में हमेशा हट जाते हैं। और गाइस इसके बाद थोड़ा रेडनेस होता है तो उसके ऊपर आपको आइस लगाना पड़ेगा और मैं आइस लगाती हूँ, उसके बाद मैं एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ ताकि मुझे सूदिंग मिल जाए। अरे now they are all Out. I'm back and guys मैंने अपना फेस वॉश करके उसे आइसिंग करके उसे टोन कर लिया है। एंड गाइज अब हम यूज़ करने वाले हैं, कोई भी आप जेल यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारे फेस है उसको थोड़ा कामनेस मिले। सो गाइज जनरली मैं ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, आप क्यूकम्बर जेल या कोई भी जेल आप यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज आज मैं लेकिन बैम्बू जेल यूज़ करने वाली हूँ जस्ट टू मेक अ मोर फैंसी। एंड गाइज दिस इज़ द फेस शॉप बैम्बू जेल, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है, इट्स अमेजिंग बट इट्स रियली बिट स्ट्रॉन्गर फ्रेगनेंस, थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है। एंड मैं इतना सा लेने वाली हूँ, अगर ये ट्यूब फॉर्म में होता तो मैं इसे ज़्यादा प्रेफर करती यूज़ करना और इसी आलस की वजह से मैं इसे यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे इसके लिए स्पून यूज़ करना पड़ेगा। एंड गाइस इसे मैं नॉर्मली अपने फेस के ऊपर लगा रही हूँ लाइक दैट एंड यू आर डन गाइस। सो गाइस मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर। क्या व्रत कर लो, फर्स्ट और लास्ट है ना, सारे नहीं रखे। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ओ गॉड वेट, पापा शांत हो जाओ, मैं वीडियो बना रही हूँ। गाइस आई एम बैक विद माय ग्रीन कॉफी एंड द वैक्स इज नाउ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना फेस, भाई चुप हो जाओ यार, और अगर आप चाहते हैं कि मैं फेस का बनाऊं तो वो भी हम बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं somebody calling me, वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, सो या हेलो 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 गौरव And guys, ये last the tutorial, and I will meet you in the okay. Don't poke your fingers. And guys, we are done. So guys, आपको मैं अपनी next video में मिलूंगी. And guys, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना गाइज, बिकॉज मुझे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, बिकॉज आई नीड सब्सक्राइबर्स. ओके, नो इट इज़ लुकिंग वेरी ग्रीडी. ओके गाइज, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए.